कर्नाटका चुनाव परिणाम पूरे देश में सियासी चर्चा में है। विकास के विश्वास से जीत की आस लगाए भाजपा लोकतंत्र के महापर्व में चुनावी जीत के बैतरणी पार नहीं कर पाई। चुनाव में भाजपा की हार का जिम्मेदार कौन है, इसकी पड़ताल तो पार्टी करेगी, लेकिन कांग्रेस वहां जीत के लिए असली हकदार और खेवनहार कौन रहे हैं, इसके नाम का ऐलान कर दिया। और कर्नाटका की जीत में सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की रही है तो हमारे बजरंग बली की जी की रही है। बजरंग बली जी भी देख रहे हैं कि अच्छा कौन है और सच्चा कौन है, असली कौन है और नकली भक्त कौन है। बजरंग बली का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को पड़ा है, याद रखिए। कर्नाटक का चुनावी जीत राहुल गांधी के कारण आया है, भारत जोड़ो यात्रा इसकी मूल वजह रही है। राहुल गांधी अगर आगे सफर करते हैं तो बाकी जगहों पर भी जीत मिलेगी, कांग्रेस के नेता अभी बात कहने लगे हैं। राहुल गांधी जी का जो भारत जोड़ो यात्रा है, निश्चित तौर पर लोगों ने उनको सराहा है, जनता ने सराहा है और जिसका परिणाम है ये। और जहां जहां मैं तो मांग करूंगा कि जो प्रथम फेज में कई राज्यों का दौरा हुआ राहुल जी का, और द्वितीय फेज में भी अब झारखंड वगैरह छत्तीसगढ़ अभी दौरा करें, तो हम दावे के साथ कह सकते हैं ये जो भारतीय जनता पार्टी, ये ढोंगी पार्टी लोग, ये क्या बात करेंगे हम लोग से। कर्नाटक के चुनावी जीत पर जश्न मनाने में जुटी कांग्रेस ने जमकर आतिशबाजी की, हलाई से लेकर भाजपा का तंज भी आ गया। झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा, यूपी के निकाय चुनाव में भाजपा जिस तरह से जीती है और कांग्रेस का जो हश्र हुआ है, उससे एक सीख भी कांग्रेस को लेनी चाहिए। हारे और हार जीत तो लोकतंत्र में लगा रहता, थोड़ा जो ढोल बजा रहे हैं, जो अबीर लगा रहे हैं, गाना बजा रहे हैं, थोड़ा उत्तर प्रदेश जाए जहाँ पर सोनिया गांधी राजनीति करती है, जहाँ राहुल गांधी राजनीति करते हैं और जहाँ प्रियंका वडेरा राजनीति करती हैं, वहाँ पर नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस सफा चट हो गई है। इसलिए अगर वहाँ खुशी मनाने के लिए जाते हैं तो यहाँ कांग्रेस की अर्थी निकली है उत्तर प्रदेश में, उसको भी ढोने का काम करें कांग्रेस जी। कर्नाटक चुनावी जीत के बाद कांग्रेस का जो रंग दिखा है उसमें बजरंग बली के साथ दिल्ली जाने का ऐलान हो गया है। इरफान अंसारी ने कहा, हम दिल्ली की तैयारी में हैं, बजरंग बली के भरोसे दिल्ली तैयारी में जुटे हैं। अभी तो फिल्म अभी पूरा बाकी है, ये तो झांकी है, कर्नाटक का झांकी है, फिल्म अभी बाकी है। हम लोग अभी हनुमान जी के साथ हम लोग एकदम दिल्ली कूच करेंगे। कर्नाटक चुनाव के बाद कांग्रेस जिस सियासी रंग में खुद को ढाल रही है, वह इससे पहले कांग्रेस के कार्यक्रम में नहीं रहा है। धर्म की राजनीति में भाजपा का चेहरा सबसे पहले रखा जाता था, लेकिन अब बजरंग बली का जयकारा कांग्रेस में भी लगने लगा है। बीजेपी भी इस बात को लेकर हुआ पोह में है कि धर्म वाली राजनीति को मंच देकर विकास वाली राजनीति की बात करने से बजरंग बली वाली सियासत ने जो डगर बदली है, उसे फिर अपने साथ करने का कौन सा रास्ता निकाला जाए। लेकिन अब कांग्रेस ने साफ कर दिया कि वह बजरंग बली के भरोसे दिल्ली फतह की तैयारी में जुट गई है, तभी तो कांग्रेस नारा भी लगा रही है। अब देखना है कि बजरंग बली के भरोसे कांग्रेस जिस जीत का दावा कर रही है, उससे बदलने के लिए बीजेपी कौन सा रास्ता निकालती है। ईटीवी भारत के लिए जामताड़ा से संजय तिवारी और रांची से भुवन किशोर झा की रिपोर्ट।